ये है टच बुक और हम इसे ठीक करेंगे। और प्रॉब्लम है इसमें डिम डिस्प्ले का, यानी कि ऑन तो हो रहा है लेकिन ये कुछ इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन पैनासोनिक क्लिक के आ रहा है बट इसमें डिस्प्ले नहीं है। और इसको खोलने के लिए ऑलरेडी इसमें मैं यहाँ पे जो स्क्रूज हैं सब हटा रखा हूँ, बस मुझे और क्या करना होगा इस पर, यहाँ पे कुछ स्क्रू है इसको भी हटाना होगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ ताकि स्क्रीन तक पहुँचा जा सके। और इसमें ये रहा फ्रंट, ये पार्ट ये निकल गया। वापस इसको भी खोलना होगा ताकि केबल दिख जाए। फिलहाल इसको मेरे को शट डाउन करना है, तो शट डाउन यहाँ से ये निकल जाएंगे लेफ्ट राइट का, ये क्यों निकलता, ये हो गया। अब क्या है इसमें, अब इसको हम इजीली यहाँ से उठा सकते हैं यानी कि, लेकिन और यहाँ पे कुछ इशू है, ये सामने में कुछ यहाँ पे स्क्रू है तो ये स्क्रू भी खोलना है। यहाँ से एक है, दूसरे साइड में भी एक है तो उसको भी मैं हटा लेता हूँ। अभी हो गया, ये दोनों पार्ट लेफ्ट साइड का निकल गया। अब इसको अपन यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये उसको उठाने से क्या मिल रहा है, स्क्रीन मिल गया और डिम हो रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है बैकलाइट में इशू होगा। तो बैकलाइट के लिए यहाँ पे क्या है, अच्छा ऑलरेडी रिपेयर किया हुआ है, एलईडी बैकलाइट है इसमें। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कैसे हटा सकते हैं, इसको मैं यहाँ से नहीं हटाता हूँ तो मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत हाइट पे है और मेरा माइक्रोस्कोप जो है इतना प्रॉपरली अलाइन, इतना हाइट पे मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया नहीं है। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं फिर दिख जाएगा, तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो फिर तो माइक्रोस्कोप यूज़ करना नहीं होगा, नहीं इसमें तो दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप, इतना ही गैप है तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसके लिए पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे लफड़ा क्या है। तो एटलीस्ट मल्टीमीटर तो यूज़ कर ही सकता हूँ इस पर। तो वहाँ पे हम आ जाते हैं डीएमएम पे और ये रहा यहाँ पे एक शॉर्टिंग, अच्छा यहाँ पे 0 ओम्स का शॉर्टिंग मिल ही रहा है, अच्छा 0 ओम्स का शॉर्टिंग है। तो जाहिर सी बात है इसको ही ठीक करना होगा, तो मेरे हाथ में प्लस लग जाएगा तो ग्लव्स पहनूंगा ज़रूर मैं ताकि मेरा हाथ सेफ रहे। ये रहा मेरा ग्लव्स और काफ़ी तगड़ा लैपटॉप है ये, और तगड़ा मतलब क्या, ये डिफेंस में यूज होता है और मतलब ऐसा बनाया गया है कि कुछ इस पर गिर भी जाए तो भी टूटे ना। और बहुत सारा फीचर्स है इसमें, जैसे कि हार्ड डिस्क इंस्टेंटली रिमूव करके ले सकते हैं अगर कोई रिक्वायरमेंट पड़ गया या डेटा निकलना रह गया, तो इजीली हार्ड डिस्क को हटा के ले सकते हैं। तो इस तरह का है और सारा बहुत फीचर्स है इसमें जो कि मेरे को पढ़ने से मालूम चलेगा। ये फिलहाल स्पॉटिंग मिल रहा है, अगर ये एलईडी का लाइट है तो मैं इसको एक बार के लिए इस कंपोनेंट को हटाता हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 ओम्स मेरे को मिल रहा है। तो सोल्डिंग आयरन यूज़ करूँगा यहाँ पे क्योंकि अगर असेंबली यूज़ करता हूँ और टेयर का तो स्क्रीन ख़राब हो जाएगा। इसको इस तरह से इजीली खुल जाएगा, हालांकि ऑलरेडी ये रिपेयर हुआ है कहीं पे, कस्टमर का भी कहना है कि रिपेयर हुआ ही है। तो
अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटर का सिलेक्शन हुआ है आई थिंक वो गलत है, इसलिए वो शॉर्ट हो गया रहेगा कुछ दिन चल के। इसके लिए हमें शॉर्टिंग तो हट गया, अब देखना है कि इसके लिए VDD कहाँ से आ रहा है और उसका सोर्स कहाँ से है। तो VDD का सोर्स कहाँ से मिलेगा यहाँ पे, ये फ्यूज कहाँ है इसमें, फ्यूज आई थिंक ये रहा फ्यूज, ये तो है। और केबल कहाँ पे है इसमें, केबल ये रहा यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो यहीं कहीं पे फ्यूज भी मिल जाएगा हमें। एल यहाँ पे एल एक है, दूसरा कनेक्ट नहीं है, तो ये रहा फ्यूज दूसरा वाला अपने पास, ये फ्यूज, लेकिन ये भी कनेक्ट सही है। तो चलो मैं 15 वोल्ट ही देख लेता हूँ कि 15 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है, अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि ये करना क्या है इसमें। तो ये ऑन है फिलहाल, और यहाँ से 3.1 है ये, तो अगर ये 3.1 है तो इधर 3.1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो आ कहाँ से रहा है ये इसका सप्लाई यहाँ पे, और एक चेक करता हूँ मैं, एक साइड 3.1 दूसरे साइड सही, और ये रहा एक साइड में 3.1, चलता कैसे है ये, एक लाइट तो है, इसको बंद ही कर देता हूँ मैं एक बार। और यहाँ पे कहीं ना कहीं तो वोल्टेज आता रहेगा इसका LCD के लिए, हालांकि इसका डेटा सीट मुझे नहीं लगता मिल जाएगा, बहुत रेयर है ये, तो थोड़ा सा यहीं से अपने को काम लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो लिखा है कुछ VDD 3.1 है और एक 3.1 VDD तो है, और एक कुछ यहाँ पे सप्लाई तो है 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट चाहिए अपने को। तो ये 9 वोल्ट कहाँ गया है, अगर इसको अडाप्टर लगाऊँ तो 14 वोल्ट बन रहा है, यानी कि सही है यही चाहिए। अब ये गया कहाँ है वो भी ढूंढना पड़ेगा, तो कोई इशू नहीं ढूंढेंगे, इसको मैं निकाल देता हूँ। हाँ ये रहा, हाँ दूसरा चीज फ्यूज तो दिख रहा है इधर, लेकिन इसका फ्यूज कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा ढूंढेंगे थोड़ा सा। एक दो फ्यूज, अच्छा यहीं पे है ये, ठीक है मिल गया। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पार्ट अरेंज करना है, यानी कि कैपेसिटर मैं इस तरह से रख देता हूँ, और ये रहा फ्यूज यहाँ पे, ये स्क्रीन बाहर आ सकता है क्या, आ तो जा रहा है कोई इशू नहीं, चलो सही है। ये रहा इसका टच ग्लास, इसको साइड कर देते हैं ताकि ये डैमेज ना हो जाए। और अब हम माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा ये फ्यूज है इधर, I0 रजिस्टर, तो इसके लिए एक बार के लिए मैं थोड़ा सा टेप यूज कर लूँ ताकि ये बार बार मेरे पास देखने में इशू हो रहा है।
यहाँ पे ये हो गया। ये फ्यूज कटा हुआ है, ये सही नहीं है, तो इसको भी सोल्डरिंग स्टेशन के थ्रू ही निकाल लूँगा ताकि कुछ डैमेज ना हो। हालांकि ये बहुत बड़ा केस नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये डिफेंस लाइन में यूज होता है, तो सोचा एक वीडियो बनाया जाए इस पर ताकि कुछ मज़ा आए देखने में इसको। मैं इसका पार्ट अरेंज करता हूँ, तो थोड़ा सा पॉज करूँगा मैं। तो इसका पार्ट तो मेरे को पुराना स्क्रीन से ही लाना होगा, क्योंकि ऐसे तो पार्ट मिलेंगे नहीं इसके, और मिलते भी नहीं है। तो जैसे पहले का कैपेसिटर जो सिलेक्शन गलत था, इसके लिए ख़राब हो गया इमीडिएट कुछ दिन में ही, तो इस बार जो है मैं सही जगह से कैपेसिटर लगाता हूँ इसमें, तो आई थिंक ये कुछ दिन क्या कुछ लास्टिंग करेगा, कोई इशू नहीं है। तो कैपेसिटर चाहिए, फ्यूज भी यहीं से मैं ले लूँगा, कोई इशू नहीं है। दो कैपेसिटर एक फ्यूज चाहिए अपने को, तो ये दोनों यहीं पे है। मतलब ये भी स्क्रीन ही है, तो इसको भी अपन यानी कि मैं सोल्डरिंग स्टेशन के थ्रू ही निकालता हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये डैमेज खराब हो जाएगा। ट्वीज़र कहाँ गया मेरा, ट्वीज़र नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। ट्वीज़र ले लेंगे, वो भी ऐसे भी ट्वीज़र मेरा पुराना हो गया था, तो नया ट्वीज़र ये रहा रेड कलर, अच्छा 50 रुपीज़ वाला। ये आ जाएंगे हम कहाँ, यहाँ से ले लेते हैं। दूसरा अब यहाँ लगाना है वापस से इसको, ये रहा। ये फ्यूज थोड़ा सेंसिटिव होता है, यानी कि इस पर अगर SMD से भी निकालें तो निकालते वक्त भी ख़राब हो जाता है, तो सोल्डिंग आयरन जो है वो बेहतर है इसके लिए, इस काम के लिए, ताकि इसमें दिक्कत नहीं हो, मतलब ख़राब ना हो। और ये बन गया, हटा लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा फिनिशिंग काम करने में सही हो। ठीक है, एक हट गया, इसको एक्स्ट्रा शोल्डर भी हटा लेना होगा, ये भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा डिशोल्डर क्यूबिक का, ये रहा, नहीं तो ये सही से बैठेगा नहीं, दिखेगा नहीं ढंग का नहीं दिखेगा तो मज़ा नहीं आता। मतलब ऐसे ही जो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना, तो ये हो गया। दूसरा हवा था फ्यूज का, तो फ्यूज लगेगा कहाँ, यहाँ, तो ये भी यहाँ से थोड़ा शोल्डर हटाना है। इसमें ज़्यादा देर तक मैं सोल्डरिंग स्टेशन में लगा के नहीं रख सकता, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा कंपोनेंट का। थोड़ा सा क्लीनिंग चाहिए, तो क्लीनिंग के लिए जैसे कि ये है स्क्रीन है, तो क्लीनिंग के टाइम में ध्यान देना है, यानी कि अब
थोड़ा सा कहीं ठोक के और इसका इस्तेमाल करेंगे क्लीन करने के लिए, ताकि इधर उधर स्प्रेड ना हो जाए। जैसे कि अगर ये लगा भी रहेगा तो भी दिक्कत रहता है कभी कभी एक्स्ट्रा नॉइस का, इसमें हटाना ज़रूरी होता है, यानी कि इसको इतना तो हो गया। बोल का मैं ब्रश भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा ही थिनर लगा के, ज़्यादा नहीं, नहीं तो निचला लेयर में चला जाएगा ये। निचला लेयर में गया तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा ये। एकदम नॉर्मल एक छोटा सा, मतलब कम हीटिंग वाला लेयर देना है, जस्ट 100 डिग्री के अंदर ही, तो ये हो जाएगा ना क्लीन। अगर और थोड़ा सा मेरे को फिनिशिंग चाहिए तो और एक यूज करूँगा, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। ये हो गया, ये बन गया। अब वापस से इसको यहाँ पे लगाना है, यानी कि इसको ठीक करना होगा। इसको लगा देंगे ताकि इस पर फिक्स हो गया, ये भी हो गया। ये रहा अपना स्क्रीन, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ लग गया है, तो इसको मुझे लगता है पहले से ही लगा है, अभी तो लगा नहीं है। इसको मैं क्लीन कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, ईजी है क्लीन करना, हो गया। अब इसमें असेंबल कर ताकि कि इसको फिट करने हो जाए। इसका कुछ पार्ट अलग भी तो इसको हटा लेता हूँ, थोड़ा सा गिरने से भी साउंड हो रहा है बहुत जोर से। मतलब ये अलग ही मटेरियल है, प्लास्टिक नहीं है, तो मैं उल्टा लगा दिया, ऐसा नहीं लगता इसको लगाना है कैसे, इस तरह से। ये हो गया, अब इसको सही से लगाना होगा क्योंकि मेरे को बैटरी इसमें लगा हुआ है, तो एक साथ पुश करना होगा। ये हो गया, अब हम इसको देखेंगे ऑन करके। हालांकि ये स्क्रीन बाहर आ जा रहा है, ये नहीं पकड़ना पड़ेगा। ये हो गया ऑन, और ये आ गया पैनासोनिक, ठीक है। अब इसको ज़्यादा आरएनडी कर नहीं करते हुए इसको मैं यहाँ से लगा लूँ तो बेहतर है, नहीं तो ये डैमेज होने का चांसेस है। इसमें टच स्क्रीन है, टच ग्लास है, तो दिक्कत होता है थोड़ा सा, तो ये यहाँ लग जाएगा। और सेम पार्ट एक दूसरे साइड में भी है, तो ये यहाँ पे लग गया। कुछ स्क्रू लगा लेता हूँ यहाँ पर मैं, ये दूसरा, इतना मैं टेस्ट कर सकता है इसको, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे तो भूल गया ये, लेकिन फिलहाल टेस्ट की करना है, तो एक बार टेस्ट करके फिर मैं इसको ये करता हूँ। ये रहा टच बुक, टच बुक मतलब ये टच स्क्रीन है, इसलिए इसको टच बुक नाम दिया गया है।
ये बिल्कुल एटीएम वाला स्क्रीन है जो, और टच है जो, साइड्स व्यू में तो साइड व्यू दिख रहा है लेकिन एटीएम में नहीं दिखता है, ये डिफरेंस है, लेकिन ये काम कर रहा है, अच्छी बात है। ये तो हो गया, अब इसको प्रॉपरली असेंबल करना है, यानी कि जो भी कंपोनेंट वगैरह वगैरह लगा के पार्ट असेंबल करके दे देंगे। तो ये स्क्रीन को खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक चीज़ इसका लीड ओपन का असेंबली लगाया नहीं, तो उसको निकाल गया। ये लीड असेंबली को तो भी लग गया कैसे, ये इस तरह से लगेगा, मेरे डेस्क पे आ भी नहीं रहा है, ठीक है। ये हो गया, लीड असेंबली लग गया, अब एक एक करके सारा स्क्रू लगाना होगा उसमें। सही से बैठा नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो क्या करना होगा, अब बैठ गया, इसको लगा लेंगे यहाँ से। इस तरह का मशीन यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, और है भी तो आई थिंक ये ऑथराइज में ही जाता होगा, ये इनको अर्जेंट था बोल के ये मुझे दिए हैं। दूसरा चीज़ इनको कॉन्फिडेंट भी नहीं होता कि थर्ड पार्टी रिपेयर में ये बन जाएगा, तो इसलिए हमारे पास इस तरह का मशीन नहीं आते हैं। और डिफेंस का ज़्यादातर उनका खुद का सर्विस सेंटर होता है, के इंजीनियर होते हैं उसमें काम करने के लिए, तो ये कारण रहता हुआ कि हमारे पास इस तरह का मशीन ज़्यादा नहीं आता। ये हो गए मेडिकल इक्विपमेंट भी हो गए, तो वो भी हमारे पास नहीं है, मेरे पास बीच बीच में आते रहता है कि अभी थोड़ा देर पहले आया था तो उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर नहीं पाया, लेकिन बन गया। उसमें कुछ पावर सप्लाई का इशू था, डेढ़ में आया हुआ था, लेकिन इंज इसका डैमेज होने का चांस ही नहीं है क्योंकि इतना लंबा लंबा स्क्रू है ना ये, और इसके लिए अपने को लगता है कि ये स्क्रू ड्राइवर, ये हो गया। अब ये बन गया टच बुक, टच काम कर रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है, बिल्कुल एटीएम के जैसा है, एटीएम वाला स्क्रीन है, साइज और टच भी तो सिमिलर दिखता है, लेकिन साइड व्यू इसका है, एटीएम में नहीं होता। तो बाकी का भी इसमें कंपोनेंट या बाकी का असेंबली पार्ट है वो लगा लो ताकि कस्टमर को देने लायक हो जाए। ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे वाईफाई का एंटीना भी लगाया हुआ है। अब ये क्यों नहीं बैठा है, यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है मुझे, क्या हुआ है यहाँ पे, बैटरी लाइट नहीं किया हूँ,
तो इस साइड से इसको भी लगा देते हैं। चलो इसको मैं असेंबल तो कर लूँगा, कोई इशू नहीं। बाकी ये फाइनली हो गया और मिलते हैं किसी दूसरे के स्टडी में तभी की। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, नमस्ते।